The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, kaise hain aap? So, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मंकी पॉक्स के बारे में, और मंकी पॉक्स के आज ये इस वीडियो एक फाइनल वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट पिक्चर क्लियर होगी कि क्या मंकी पॉक्स से आपको डरने की जरूरत है, किस प्रकार का वायरस है, क्या आपको खतरा है, क्या वो इंडिया में आ गया है, आने वाला है, आ सकता है, और उसके बारे में अगर आ भी गया तो क्या वैक्सीन है, नहीं है, क्या इलाज है, नहीं है, क्या बीमारी होती है, नहीं होती है, माइल्ड होती है, सिवियर होती है, क्या होता है, ठीक है। देखने में बड़े खतरनाक सा लगते हैं ये दाने दाने दाने, तो बताते हैं आपको क्या होता है ये, आइए शुरू करते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो क्या है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स एक रेयर बीमारी है जो कि एक इन्फेक्शन से होता है, मंकी पॉक्स वायरस की वजह से। मंकी पॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है। ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन जो है पॉक्स वायरस से आता है। ऑर्थोपॉक्स जीन जो है, इसमें एक वेरियोला वायरस भी होता है इसी जीन का, इसी फैमिली का, जिसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, छोटी माता जिसको कहते हैं, वेरीसीला, जो कि एक तरीके से इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स, काओ पॉक्स वायरसेस, ये सारे पॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस की ही फैमिली के हैं। तो इसी फैमिली का एक वायरस मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स जो है 1958 में पहली बार वो पाया गया था, और ये आउटब्रेक्स हुए थे पॉक्स लाइक डिजीज के लिए, और ये कॉलोनीज में हुए थे मंकीज की, जो रिसर्च के लिए रखे गए थे, इसलिए मंकी पॉक्स कहते हैं। पहली बार ये ह्यूमंस में पाया गया था 1970 में, जहां पर ये कांगो में पाए गए थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और ये फैलता कैसे है? अगर फैलता भी है तो मंकी पॉक्स जो है अफ्रीका के बाहर कहीं पाया गया है, तो वो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल से है, या एनिमल कोई वहां से इंपोर्ट करता है तब है, ठीक है। ऐसे कहां कहां पाए गए? यूनाइटेड स्टेट्स में, इसराइल, सिंगापुर, यूके के अंदर। नेचुरल रिजर्वॉयर इस वायरस का एक्चुअली में पता ही नहीं है। मंकीज को होता है, ह्यूमंस को हो सकता है, लेकिन नेचुरल रिजर्वॉयर कुछ लोगों का और कुछ होता है कि वहां पर ये पलता है, बड़ा होता है, प्रोटोन होता है, अफ्रीकन कुछ रोडेंट्स होता है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट मंकी, उसके अंदर वायरस रह सकता है। सो अगर किसी को हो जाए, ह्यूमंस को हो जाए, तो क्या सिम्टम होंगे? ये एक तरीके के माइल्डर वर्जन ऑफ स्मॉल पॉक्स, छोटी माता का, स्मॉल पॉक्स का माइल्डर वर्जन के जैसा होगा। मेन सिम्टम, मेन डिफरेंस स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स का यह है कि मंकी पॉक्स जो है लिम्फ नोड्स को स्वेल कर देता है, लिम्फ एडिनोपैथी करता है। लिम्फ नोड जो गर्दन में होते हैं, बॉडी में, बगल में होते हैं, कई जगहों पर पूरे शरीर में होते हैं, वो कर लेता है। स्मॉल पॉक्स जो है छोटी माता, वो नहीं करता। आपके शरीर में जाने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है, 7 to 7 to 14 दिन का हो सकता है, पर कुछ लोगों में जल्दी से 5 दिन में, कुछ लोगों में 21 दिन में भी हो सकता है। और बीमारी आपकी शुरू होगी बुखार, सरदर्द, बॉडी पेन, बैक पेन, और फिर उसके बाद शुरू होगा लिम्फ नोड में स्वेलिंग, चिल्स, एग्जॉशन, थकावट, जिस तरह हर वायरस का होता है, फ्लू का होता है ज्यादातर वायरस का। मतलब 1 to 3 दिनों के अंदर अंदर जैसे जैसे आपका बुखार आएगा, वैसे ही आपके अंदर रैश पैदा होगा, पेशेंट को रैश बनेगा, छाला बनेगा, और बिगिनिंग में ये छाला आपके चेहरे पे बन सकता है, फिर पूरी बॉडी में फैल सकते हैं, और ये छाले, फोड़े जैसे छाले, लेजर जो हैं, धीरे 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 एक मैक्यूल बनेंगे, पैप्यूल बनेंगे, वेसिकल बनेंगे, पुस्टूल बनेंगे, स्कैब बनेंगे। इसका क्या मतलब है? मैक्यूल का मतलब है छोटा सा, एक कह लीजिए छाला है जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, ठीक है। पैप्यूल का मतलब है थोड़ा सा उभरा हुआ है, चमड़ी से ऊपर आ रहा है। वेसिकल का मतलब है उसके अंदर पानी भरा हुआ है। पुस्टूल का मतलब है उसके अंदर पस भर गया है। स्कैब का मतलब है फट गया है और उसका अब वो स्कार टिश्यू है, ये मतलब है। तो ये लेजन, हर रैश 3 दिन के बाद रैश बन के इस प्रकार से मल्टीपल रैश पूरी बॉडी में आ जाते हैं। इस पूरे साइकिल को 2 to 4 हफ्ते लग जाते हैं। अफ्रीका के अंदर मंकी पॉक्स जो है ये 10 में से 1 इंसान की डेथ का कारण भी बन चुका है, तो सीरियस बीमारी भी बन सकती है। और कैसे उसको ट्रांसमिट कैसे होता है, अब पर्सन टू पर्सन होता है, कैसे होता है इसको समझते हैं। मंकी पॉक्स ट्रांसमिशन ऑकर्स जब एक पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वायरस फ्रॉम एन एनिमल, ह्यूमन, या मटेरियल कंटेमिनेटेड विद द वायरस। तो वायरस आपके शरीर में तब जाएगा जब आप, या तो आपके चमड़ी में कुछ कट है, ब्रोकन स्किन है, या फिर आप रेस्पिरेटरी ट्रैक में, या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, आई से, नोज से, माउथ से। और एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है अगर उसको, उस बंदर ने, जानवर ने स्क्रैच कर दिया, काट दिया, ठीक है, या किसी उस जानवर का कोई मतलब आपने कंटेमिनेटेड हाथ से कुछ खाना वाना बना लिया, डायरेक्ट कंटेमिनेटेड हो गया किसी बैडी बॉडी फ्लूइड का, ठीक है। सो थ्रू वॉट एवर कंटेमिनेटेड बेडिंग, उसके थ्रू।
सो वायरस फैल सकता है. ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑकर्स ओनली थ्रू लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. जी हाँ, खांसी करने से, बड़े बड़े ड्रॉपलेट से, और ये छोटे नहीं होते हैं, फेस टू फेस आसपास होता है तभी फैलता है, दूर दूर तक घूमता नहीं है, मीजल्स के जैसे या कोरोना के जैसे. ह्यूमन टू ह्यूमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड भी एक पार्ट है. ठीक है, सो खांसी से भी फैल सकता है और बात बहुत क्लोजली किसी के फेस टू फेस बात करने से भी फैल सकता है और कंटेमिनेटेड क्लोथिंग और लाइनिंग से भी फैल सकता है. और याद रखिए, कुछ अफ्रीकन रोडेंट्स, रोडेंट्स मतलब जमीन में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वहां पर भी हो सकता है मंकी पॉक्स वायरस रहता हो. ठीक है, मगर ये वायरस जो है अभी ये नहीं पता इसका रिजर्वायर कौन सा है. कैन इट बी प्रिवेंटेड, क्या वो प्रिवेंट अभी तक इंडिया में नहीं आया है अव्वल तो, मगर अगर ये कभी आप प्रिवेंट करना चाहें तो ये ज्यादातर उन्हीं में फैलता है जो इस प्रकार के जानवरों को हैंडल करते हैं. तो आप अगर किसी एनिमल को हैंडल करते हैं जो इन्फेक्टेड हैं, तो आप अपने बचाव करना जरूरी है. अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ ऑल मटेरियल, बेडिंग हो गया या एनिमल के जो उसके पार्ट्स हो गए, उसके सलाइवा हो गया, उसका यूरिन हो गया, उस सब राइट. इन्फेक्टेड पेशेंट है, इन्फेक्टेड एनिमल को हैंडल करने वाले और ज्यादा उसको पूरा किट विट पीपीई किट पहन के जाना पड़ेगा. आपको एक अच्छी हाइजीन रखनी है जब भी आप उस इन्फेक्टेड एनिमल या इन्फेक्टेड ह्यूमन के पास जाते हैं, और इस प्रकार से पूरा आपको ढक ढुक के जाना पड़ता है. तो वॉशिंग हैंड, वो सब जो कोरोना वाले आज तक करते आए हैं, वही करना पड़ेगा. सैनिटाइजर यूज करें, पीपीई किट पहनना पड़ेगा पेशेंट की केयर करते हैं. और इसका एक वैक्सीन है, इसको हम एक जेन्यूस्टियम, बड़ा सी इस तरह का नाम है, ये एक वैक्सीन है, इट्स अ लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन. तो ये FDA से अप्रूव्ड है, लेकिन ये तभी दे सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट रिस्क है. ये इंडिया में आया नहीं है, जबरदस्ती लेने की जरूरत नहीं है. अगर इंडियन में आता है, एडवाइस होता है, तो बरोबर फिर वो बनाई जाएगी, दी जाएगी. अभी ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑक्यूपेशनली ऐसे जगहों पे काम करते हैं जहां पे ऑर्थोपॉक्स वायरसेस या स्मॉल पॉक्स वायरसेस का एक्सपोजर उनको होता है, उस वायरस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टडीज करते हैं, उन लोगों के लिए वैक्सीन दी जाती है कि उनमें ना फैले, उनमें फैलेगा बाहर जाके लोगों को फैलाएंगे, है ना, इसलिए उनको ये वैक्सीन दी जा सकती है. आप अपने तरफ से या दूसरे जो लोग जिनको इन्फेक्शन हो जाए, मान लो किसी को हो जाए, तो क्या हो जाएगा. मैनी, ज्यादातर लोगों में भी ये वायरस जो होता है माइल्ड डिजीज करता है, सेल्फ डिविटिंग करता है और किसी भी दवा के बगैर ठीक हो जाता है ज्यादातर, यानी कि 10 में से 9 मान लीजिए. हाउएवर कुछ लोगों के ऊपर अगर पहले वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, कोई अलग बीमारी है, कोई अलग कोमॉर्बिडिटीज हैं, अलग से कोई मान लो इम्यून सिस्टम खराब है, तो उन लोगों में सीरियस बीमारी हो सकती है. सो किसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिसको सीरियस बीमारी हो रही है. सीरियस बीमारी किसको हो सकती है, जिसको सिम्टम हो रहे हैं, पर्सन विद सीवियर डिजीज, जैसे कि किसी को हीमोरेजिक डिजीज है, ब्लीडिंग हो रही है, कन्फ्लुएंट लेजन्स हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दाने दाने पूरा शरीर भर गया, इन्फेक्शन, सेप्सिस, एंसेफलाइटिस, दिमाग में फैल गया है, उसके साइंस हैं, या उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है, या फिर बच्चों में 8 साल से छोटा है, प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, या जिसको एक से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, कोई और साथ में उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, कोई और इन्फेक्शन, एडिशनल इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे लोगों के लिए. हाई रिस्क में कौन आएगा, जिसको इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज है, जिनको HIV है, जिनको कोई ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, ब्लड कैंसर है, कोई भी कैंसर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी को कोई एंटी मेटाबोलाइट, कोई रेडिएशन, कोई एंटी ट्यूमर मेडिसिन चल रही है, कैंसर की दवा चल रही है. सो ऐसे लोग जिनको दूसरा कोई इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे लोगों में भी हाई रिस्क हो जाता है. जिनके मान लीजिए कोई एक्सीडेंटली आई, माउथ या कोई एरियाज में मंकी पॉक्स वायरस चला गया हो, वो भी एक सीरियस चीज़ हो जाती है. सो मेडिकली अगर ऐसे लोगों की बात करें तो इलाज भी है कायदे से. एज सच ऐसा कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं, यही एक फिक्स्ड इलाज है, ये प्रोसेस है, पेशेंट ठीक हो जाएगा, नहीं. बट देर आर सम मेथड, सम दवाइयाँ अवेलेबल टू ट्रीट मंकी पॉक्स ऑल्सो, विच कैन बी यूज इन केस ऐसा कुछ डेवलप होता है. अव्वल तो ये अभी इंडिया में आया नहीं, अव्वल तो ये आएगा कि नहीं आएगा कोई नहीं बोल सकता, ठीक है, समय बताएगा. बट जानकारी के लिए टेकोविरामैट टीपॉक्स एक एंटीवायरल मेडिसिन है जो FDA के द्वारा अप्रूव है. अगर कोई ऐसा ह्यूमन है जिसको स्मॉल पॉक्स या फिर ऐसा कोई मंकी पॉक्स जैसा कोई ऑर्थोपॉक्स वायरस होता है, CDC भी इसको बीमारी को यूज़ करने के लिए, अगर कोई आउटब्रेक हो जाता है तो यूज़ करने के लिए अलाउ कर सकती है, ठीक है. ये एक ओरल गोली 200 mg में भी अवेलेबल है और इंट्रावीनस इंजेक्शन में भी अवेलेबल है. और सीडोफोविर एक वेस्टाइड करके
इसकी भी दवाई है, एंटीवायरल है, ये भी अप्रूव्ड है, इसी प्रकार के साइटोमेगलो वायरस रेटिनाइटिस जैसी बीमारी के लिए वो भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। और वैक्सीनिया इम्यून ग्लोबिन इंट्रावीनस, ये एक भी एक मान लीजिए इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एक ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं वैक्सीनिया वायर, वैक्सीन के अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कोई इचिंग हो जाए, जनरलाइज्ड कोई रिएक्शन आ जाए उस केस में, तो ऐसे केस में ऑर्थोपॉक्स वायरसेस जैसे मंकी पॉक्स वायरस का अगर कोई आउटब्रेक हो जाए तब भी ये इम्यूनोग्लोबुलिन को यूज किया जा सकता है। सीडीसी के ये सारे रिकमेंडेशन है, याद रखें। और ब्रिनसिडोफोविर एक और दवाई है, एक और ये अवेलेबल है, ये भी सीडीसी ऐसे केस में यूज़ करती है मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन अगर हो जाए तो, और इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो, ठीक है, अगर वो आउटब्रेक हो जाए तो, ठीक है, याद रखें। सो इतना ही जानकारी है मंकी पॉक्स के बारे में, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, इस वक्त ये इंडिया में एक भी केस नहीं है, इसकी वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर फ्यूचर में ये इंडिया में कहीं गलती से आता भी है, अव्वल तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये दूसरी बीमारी के जैसा नहीं है, ये छुपता नहीं है, अरे सड़क पे चलते हमें नहीं पता चलता किसको कोविड है किसको नहीं है, इस केस में वो दाने उसको दिख ही जाएंगे, छोटी माता के जैसा उसको दाने आ जाते हैं, दाने ही दाने आ जाते हैं 3 दिन के बाद, तो दाने आ जाने के बाद वो इंसान जो है बाहर घूमते हुए दिखेगा तो लोग उसे पकड़ लेंगे, तो उसको ऑब्वियसली एयरपोर्ट के थ्रू यहाँ आने नहीं दिया जाएगा, और कोई ऐसा जानवर भी है जिसको दाने हैं उसको लेके नहीं आ पाएंगे। तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए इसका पूरी दुनिया में फैलना ऑलमोस्ट ना के बराबर मान लीजिए चांसेस है, तो डरने की कोई बात नहीं, बाकी ये हमारा ओपिनियन है, आगे दुनिया में क्या होगा ये तो समय बताएगा। सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।